गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है GNDU इवन सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट के बारे में कि अभी अभी 2 से 3 क्लासेस का रिजल्ट पब्लिश हुआ है GNDU की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलो जल्दी से हम आपको चेक करके बताते हैं कि कौन कौन से क्लासेस का रिजल्ट पब्लिश हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउजर में जाके गूगल में जाके सर्च करना है GNDU रिजल्ट। जैसे आप सर्च कर लोगे तो जो फर्स्ट साइड आपकी स्क्रीन पे ओपन होगी जहाँ रिजल्ट लिखा है वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा पेज खुल जाएगा, तो आपने नीचे आना, स्क्रॉल करना है। रिजल्ट वाली सेक्शन में जाके सेमेस्टर सिस्टम न्यू जहाँ लिखा है वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप फाइनल रिजल्ट वाले पेज पर पहुँच जाओगे। तो सबसे पहले आपने ईयर पे क्लिक करना है, 2023 को सिलेक्ट करना है, मंथ पे क्लिक करना है, मई को सिलेक्ट करना है, कोर्स टाइप पे क्लिक करना है, पास कोर्स को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको सभी क्लासेस शो होने लग पड़ेंगे जिन जिन क्लासेस का इवन सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो अभी अभी जिन क्लासेस का रिजल्ट आया है वो फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा नीचे जाना आपने, स्क्रॉल करना है, तो वो फर्स्ट क्लास है मास्टर ऑफ वोकेशन थिएटर एंड टेलीविजन प्रोडक्शन। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पर आपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 4th सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दें, उसके बाद रोल नंबर भर के सबमिट कर दें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास जिसका रिजल्ट अभी अभी आया वो है मास्टर ऑफ वोकेशन वेब टेक्नोलॉजी एंड मल्टीमीडिया। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, उसके बाद सिलेक्ट सेमेस्टर पर आपने क्लिक करना है और ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दें, उसके बाद रोल नंबर भर के सबमिट कर दें, आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर होगा। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। उम्मीद है कि आप सबका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया होगा और सभी स्टूडेंट्स पास होंगे। और जैसे ही किसी और क्लास का या फिर किसी सेमेस्टर का रिजल्ट आता है तो हम आपको बता देंगे। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।